तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे ज्यादा ड्राइवर कहाँ पे पाए जाते हैं। भारत क्या आपको पूरे वर्ल्ड में जितने भी ड्राइवर हैं कौन से क्षेत्र में है, मान लीजिए कोई भी कंट्री है, देश है, तो सबसे ज्यादा ड्राइवर कहाँ पाए जाते हैं, किस धर्म के पाए जाते हैं, कितने ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा। अगर आप ये वीडियो देखकर अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और बताना कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ये डिफेक्ट लगा है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रति कुछ नए विचार लाने के लिए। कुछ मैंने जो है अपने अंदर फीलिंग जो बताई है, और क्या कुछ मैंने जो सोच समझ के बहुत सर्च किया है, और फिर मैंने जो जानना है कि कितने ड्राइवर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से देश में और किस तरीके से पाए जाते हैं, क्या कुछ उनकी मजबूरी होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं और बाद में देख सकते हैं, क्योंकि ये 6-7 मिनट की वीडियो होगी, तो 6-7 मिनट आपके पास है तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आपके समझ में कुछ बातें नहीं आएंगी और आप वीडियो को यहीं पे छोड़ जाओगे, तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। बाद में कमेंट करते हैं कि हमें ये नहीं बताया और इस बात को हमें क्लियर नहीं हुआ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो ट्रक से रिलेटेड सभी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और विभिन्न विभिन्न जानकारी आपको देते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना कोई जरूरत नहीं है लाइक करने की, क्योंकि मैं किसी से गलत चीज को लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे दबाव में या फिर मेरे कहने पर लाइक कर दोगे तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब मेन टॉपिक पे बात करता हूं मैं कि सबसे ज्यादा ड्राइवर कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत कुछ सोचा है, तो सबसे ज्यादा ड्राइवर जो है भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। आप ये सोचिए, देखिए कि जो भी माल जाता है विदेशों में या फिर अदर कंट्री में जाता है वो भारत के अंदर से ही जाता है। भारत में ही सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, सारा सामान सब कुछ जो है भारत में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे बात तो ये हो गई, और नंबर 2 पे बात कि जो हमसे 5 या 10 साल पहले सबसे ज्यादा ड्राइवर कौन होते थे, सरदार जी। सरदार जी सबसे ज्यादा ड्राइवर होते थे पहले के टाइम में, लेकिन अब क्या है कि वो अपनी जो भी एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने लगे हैं। उन्होंने क्या है कि एक गवर्नमेंट जॉब करना पसंद कर लिया है ड्राइवर की नौकरी को छोड़कर। और वो क्यों किया है, क्योंकि उनकी जगह अब किसी और ने ले ली है। वो किस तरीके से ले ली, क्योंकि वो तो शिक्षित हो गए, लेकिन अब जो कैटेगरी आ रही है वो बिल्कुल ही अशिक्षित है, और उसमें क्या है 9-10 साल के बच्चे आने लगे हैं और वो ड्राइवर बनने लगे हैं, क्योंकि जो भी सरदार लोग थे वो अब शिक्षित हो गए और उनके समझ में आ गए कि ये नौकरी हमारे लेवल की नहीं है। नौकरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब जो भी नई जनरेशन है वो ज्यादातर ड्राइविंग पसंद नहीं करती है। किसी का शौक होता है तो वो करता है। अब बात करते हैं कि किन्होंने सबसे ज्यादा ले लिए, तो सबसे ज्यादा बात करूं मैं, यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, लेकिन आपको अगर गलत लगे तो मुझे क्षमा करना है, धर्म की बात मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है मेवात की कहूंगा, या फिर मुसलमान के लोग जो भी होते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जगह ली है एक ड्राइविंग की नौकरी पे। आज अगर आप देखेंगे कि ट्रक पर जितनी भी ट्रक चलते हैं उनमें से 100 में से 90% जो भी है मुसलमान होते हैं। वो क्यों होते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि जो भी बच्चे होते हैं, एक तो बच्चे वो 12-13 या फिर अनलिमिटेड उनकी कॉल जिस तरीके से होती है, अनलिमिटेड पैक होते हैं कि अल्लाह की देन होती है, ये आपकी एक गलत सोच है। अब मान लीजिए 10-15 बच्चे हो गए और उनके पास न कुछ खाने का न कुछ पीने का, न ही वो अच्छे तरीके से शिक्षित हो पाते हैं, न अच्छे तरीके से पढ़ लिख पाते हैं। अब वो ड्राइविंग के भी अगर मान लीजिए 7-8 साल के बच्चे को ड्राइविंग पे गाड़ी पे चढ़ा देते हैं और वो धीरे धीरे 1-2 साल में ड्राइवर बन जाता है। अब ड्राइवर बन के उसको क्या फायदा मिलेगा बताइए, उसकी जिंदगी एक तरीके से बेकार हो गई। क्योंकि ड्राइवर बनना तब अच्छा होता है अगर आप एक 10वीं क्लास कर रखी है, मान ली ड्राइवर बन गया, फिर किसी जॉब में भी आप लग सकते हैं। तो ये उसकी एक गलत सोच है अपने नजरिए से, कि पहले क्या होता था कि पहले बुजुर्ग जो होते थे इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने ज्ञान नहीं होता था, लेकिन अब की जनरेशन, आज का जो भी सिस्टम आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो ज्यादा
आप फैमिली न बनाए, एक दो आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एक बढ़िया टेक्नोलॉजी वाली बात हो जाएगी कि बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा बन जाए। तो सबसे ज्यादा मेवात के पाए जाते हैं फिलहाल, ड्राइवर और पहले सरदार पाए जाते थे, और सबसे ज्यादा गाड़ियां और ड्राइवर भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ मैंने थोड़ी सी नॉलेज आपको दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी रिलेटेड कुछ वीडियो जानना चाहते हैं धर्म के बारे में या फिर जातिवाद के बारे में, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मुस्लिम लिंग के लिए, तो मैं समझ आता हूँ। चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट।